नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी तड़का में। आपके साथ मैं हूं संजीवनी चौधरी। चलिए नजर डालते हैं फिल्मी जगत की बड़ी खबरों पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों आदित्य रॉय कपूर संग अपने डेटिंग रूमर्स को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर अक्सर पब्लिक प्लेस पर साथ में स्पॉट होते हैं। केवल इतना ही नहीं, ये दोनों पुर्तगाल और गोवा वेकेशन पर भी साथ नजर आए थे। हालांकि अभी तक ना तो अनन्या और ना ही आदित्य ने अपने रिलेशनशिप पर कोई चुप्पी तोड़ी है। अब इसी बीच बी टाउन का ये नया कपल मुंबई में स्पॉट हुआ। इस दौरान आदित्य और अनन्या दोनों ही ट्विनिंग करते हुए नजर आए। आदित्य और अनन्या पांडे की ये तस्वीरों पर लोग खूब रिएक्ट कर रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश अपनी लव लाइफ की वजह से हमेशा छाई रहती हैं। तेजस्वी टीवी के हैंडसम हंक करण कुंद्रा को डेट कर रही हैं। एक्ट्रेस अक्सर अपने लिविंग बॉयफ्रेंड के साथ पब्लिक प्लेस में स्पॉट होती हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी और करण कुंद्रा अपने खास पलों को भी साथ ही मनाते हैं। तेजस्वी गणपति बाप्पा की बड़ी भक्त हैं और वो भी अपने घर पर जल्द ही बाप्पा का स्वागत करने वाली हैं। इसके लिए तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा ने घर पर तैयारी शुरू कर दी है। एक्ट्रेस ने अपने घर का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो करण कुंद्रा के साथ बाप्पा के स्वागत में बिजी हैं। पहले पठान और फिर जवान के जरिए शाहरुख खान ने ये साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड के किंग खान हैं और उनकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। 7 सितंबर को रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कर कमाई कर रही है। इस फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 430 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, तो वहीं वर्ल्ड वाइड स्तर पर फिल्म ने 858 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। अब क्रिसमस के मौके पर शाहरुख खान डंकी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर उतरेंगे। शाहरुख खान की फिल्म डंकी को राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ एक्ट्रेस तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आएंगी। अब हाल ही में जवान के डायरेक्टर एटली कुमार ने डंकी को लेकर एक रिएक्ट किया है। एक इंटरव्यू में जवान के डायरेक्टर एटली कुमार ने कहा कि डंकी पठान और जवान दोनों के रिकॉर्ड तोड़ेगी। अपनी बोल्डनेस और खूबसूरती के चलते दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली साउथ फिल्मों की कई अभिनेत्रियों को उस वक्त करारा झटका लगा था जब एक्ट्रेसेस के MMS क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इन अभिनेत्रियों की लिस्ट में लेडी सुपरस्टार नयनतारा से लेकर त्रिशा कृष्णन तक का नाम शामिल है। इन साउथ फिल्म अभिनेत्रियों के लीक हुए MMS वीडियोज ने अतीत में खूब भोकाल मचाया था। इस खास लिस्ट में हम उन्हीं फिल्म अभिनेत्रियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि तमिल फिल्म एक्ट्रेस ज्योतिका की एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी। एक्ट्रेस एक दफा भीड़ में मनचलों के बीच शिकार हो गई थी जिसमें लोग उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हुए दिखे थे। कमल हासन की बेटी अक्षरा हासन की बाथरूम में क्लिक की गई सेल्फीज एक वक्त इंटरनेट पर लीक हो गई थी। अक्षरा हासन की इन बोल्ड इंटीमेट तस्वीरों ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था। एक्ट्रेस नयनतारा का अफेयर तमिल स्टार सिब्बू के साथ रहा था। उस दौरान अदाकारा नयनतारा और सिब्बू की कुछ इंटीमेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। इन तस्वीरों ने तमिल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। साउथ एक्ट्रेस एंड्रिया जेरेमिया की संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ इंटीमेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी जिसमें दोनों सितारे एक दूसरे को लिप लॉक करते हुए नजर आए थे। अदाकारा हंसिका मोटवानी साउथ सिनेमा की बड़ी स्टार हैं, मगर उनकी बाथरूम में नहाते हुए कुछ प्राइवेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी। इन तस्वीरों ने इंडस्ट्री में जमकर तहलका मचाया था। अदाकारा त्रिशा कृष्णन का एक MMS वीडियो उनकी मॉडलिंग के दिनों का खूब वायरल हुआ था। हालांकि एक्ट्रेस ने हमेशा कहा है कि ये उनका वीडियो नहीं है। साउथ एक्ट्रेस रंजीता के बाबा नित्यानंद के साथ वायरल हुए वीडियोस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अदाकारा ने इसे मोब्ड बताया था, हालांकि बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट में ये वीडियो सही पाया गया था। तमिल एक्ट्रेस वसुंधरा कश्यप की अपने बॉयफ्रेंड संग इंटीमेट तस्वीरों ने भी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। एक्ट्रेस की ये कोजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अभी के लिए इतना ही, फिर जुड़ेंगे ऐसी तड़कती भड़कती खबरों के साथ फिल्मी तड़का में सिर्फ N27 न्यूज पर। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।